नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको शाफ्ट डिजाइन के ऊपर टोटल 3 न्यूमेरिकल। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल को सच में समझना चाहते हैं तो जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द टॉर्क। क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें टॉर्क को फाइंड आउट करना है। आगे लिखा हुआ है विच अ शाफ्ट ऑफ 200 mm डायमीटर, जिसका एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 200 mm, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए ही हमें टॉर्क को फाइंड आउट करना है। आगे लिखा हुआ है इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू बी एक्सीड 50 N/mm², और जो हमारा शियर स्ट्रेस है वह 50 N/mm² से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमें मालूम पड़ गया कि क्या गिवन है और यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। तो जो भी डाटा हमें मालूम पड़ता है उसको गिवन डाटा के अंदर हम नोट करते हैं। सबसे पहले जो भी डाटा यहाँ पर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं और उसको एक बार समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसा मैंने बताया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, फिर समझना है, फिर डाटा गिवन लिखना है। तो जो डाटा हमने गिवन लिखा उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर डायमीटर दिया है 200 mm, तो हमने यहाँ पर लिख लिया स्मॉल डी से डायमीटर को शो करा दिया है, स्मॉल डी इक्वल टू 200 mm। शियर स्ट्रेस जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 50 N/mm², तो मैंने उसको भी यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टाउ इक्वल टू 50 N/mm², कई बुकों में यहाँ पर लिखा रहता है टाउ की जगह Fs, तो वह भी शियर स्ट्रेस ही होता है, लेकिन जो सिंबल है वह अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ पर हमने जो सिंबल यूज किया है वह है टाउ, टाउ इज इक्वल टू 50 N/mm² शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। आगे जो हमें फाइंड आउट करना हुआ है टॉर्क, टॉर्क को हम टी से डिनोटेट करते हैं, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन mm। तो यहाँ पर जो डाटा देखेंगे हम, कौन सा डाटा दिया हुआ है, मैक्सिमम एमएम में डाटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ डायमीटर जो दिया है वाई एमएम में है, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया है। तो टॉर्क को हम किस में फाइंड आउट करेंगे, न्यूटन एमएम में, इतना आपको याद रखना है। लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए कि टॉर्क को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जो तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला नोट कर लिया है, जैसे कि लिखा हुआ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, जो इसका फॉर्मूला होता है टी से हम डिनोटेट करते हैं, इक्वल टू होता है पाई बाय 16 इनटू टाउ इनटू डी की पावर 3। पाई बाय 16 इस फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू रहती है। टाउ इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस जो कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, डी क्या होता है शाफ्ट का डायमीटर वह भी यहाँ पर गिवन है। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है टाउ और डी की दोनों ही गिवन है। यह एक सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम जो 3 न्यूमेरिकल आज बताने वाले हैं वह धीमे धीमे टप करते हुए चलेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से ही सभी टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। तो हमें यहाँ पर सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर जो टाउ और डी की वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर नोट कर लेना है, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर लिख लेना है और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो इसमें कैसे हम लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे यह भी मैं बता देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है बी नो दैट, मतलब हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट की जाती है उसका जो फॉर्मूला होता है पाई बाय 16 इनटू टाउ इनटू डी की पावर 3। यहाँ पर सेम का सेम जो वैल्यू लिख लेना है, टाउ की जगह में जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लेना, डी की जगह जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लेना। इसके बाद कैलकुलेटर की सहायता से ये वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो सकती है। कैसे कैलकुलेट करना, सबसे पहले जो टॉप वैल्यू रहती है जैसे कि पाई में हम 16 का डिवाइड कर लेंगे, फिर इक्वल का निशान दबाने की इनटू करेंगे, 50 का इनटू करेंगे, फिर इनटू करके हम 200 की पावर 3 करके इक्वल दबा लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वह आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह आएगी 78.54 इनटू 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन एमएम क्या है, टॉर्क की यूनिट है। इन न्यूटन एमएम इससे डायरेक्ट कैसे आ जाती है समझ में, इसकी जो हमारे यहाँ पर 50 लिखा हुआ है इसकी यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जबकि यहाँ पर डी है जो इसकी यूनिट है एमएम, यहाँ पर क्यू चढ़ा हुआ है तो एम एम क्यू हो जाएगी। तो एम एम क्यू जो डी की पावर 3 है इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, एम एम क्यू, एम एम क्यू, और नीचे कौन सी यूनिट है एम एम स्क्वायर, तो एम एम स्क्वायर को एम एम क्यू से कट करेंगे तो सिर्फ ओनली एक एम एम बचेगा। तो इस तरह ये हो जाती है न्यूटन एम एम, क्योंकि न्यूटन ऑलरेडी शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले के अंदर, शियर स्ट्रेस के अंदर है, तो न्यूटन एम एम यूनिट बन जाती है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको भी समझ लेते हैं और इस तरह
उसमें क्या फाइंड आउट करना है और किस तरह फाइंड आउट करना है, ये भी उसके उसके अंदर ही समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ सॉलिड स्टील शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर। कह रहा है एक सॉलिड, मतलब सॉलिड जो भी हमारी शाफ्ट है वह है, उसके द्वारा टॉर्क ट्रांसमिट किया जा रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन मीटर, मतलब टी इक्वल टू यहाँ पर गिवन है। आगे लिखा हुआ है इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू बी एक्सीड 45 मेगा पास्कल, मतलब 45 मेगा पास्कल से या 45 मेगा पास्कल से शियर स्ट्रेस अधिक नहीं होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का डायमीटर यहाँ पर निकालना है। तो याद रखें यहाँ पर क्या निकालना है, शाफ्ट का डायमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, इसके बाद जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेना है। तो मैं जो डाटा गिवन है उसको नोट करता हूँ और एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया है, इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले टॉर्क गिवन है 10 किलो न्यूटन मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम हम जो वैल्यू मीटर में रहती है, सेंटीमीटर में रहती है, उसको एमएम में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी रहता है और भी अदर यूनिट एमएम में रहती है। तो यहाँ पर हमने मीटर को एमएम में चेंज करना है और किलो को भी हटाना है। तो किलो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा की को हटाने के लिए, जबकि मीटर से एमएम में परिवर्तन करने के लिए भी 10 की पावर 3 का एक और मल्टीप्लाई होगा। 10 की पावर 3 इसकी जगह, 10 की पावर 3 इसकी जगह, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। इस तरह जो 10 किलो न्यूटन मीटर परिवर्तन हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम। कैसे परिवर्तन होगा ये मैं समझा चुका हूँ। 10 की पावर 6 कैसे हुआ, एक तो 10 की पावर 3 आएगा एक ही जगह है, एक 10 की पावर 3 आएगा मीटर को एमएम में परिवर्तन करने के लिए, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। आगे लिखा हुआ शियर स्ट्रेस जो कि यहाँ पर गिवन है 45 मेगा पास्कल। ये यहाँ पर इसको हम टाउ से डिनोटेट करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ ऊपर। तो 45 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, मेगा पास्कल को कभी भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करें तो जो वैल्यू दी रहती है मेगा पास्कल में वही वैल्यू सेम की सेम आती है, इतना याद रखें। जैसे कि यहाँ पर 45 मेगा पास्कल दिया हुआ है, इसको हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना है, तो जो वैल्यू दिए वही सेम की सेम आ जाएगी। जैसे कि यहाँ 45 दिया हुआ है, हमने सेम 45 लिख दिया और मेगा पास्कल की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और हमें डायमीटर निकालना है तो स्मॉल डी से हम इसको डिनोटेट करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं टॉर्क गिवन है, तो टॉर्क के फॉर्मूला का फॉर्मूले को समझ लेते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि हमें कैसे डायमीटर को निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। यहाँ पर टी की वैल्यू है जो कि 10 इंटू 10 की पावर 6, इसको पुट कर देंगे। टाउ की जगह हम कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। डी यहाँ पर गिवन नहीं है, अननोन है, तो उसको हमें निकालना है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर अच्छे से समझना है आपको। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ली, टी की जगह यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर 6 लिख लिया, टाउ की जगह 45 लिख लिया, डी की पावर 3 हमें निकालना है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 का 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू पाई में 16 का डिवाइड किया और 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आई 8.8357। और डी की पावर 3 हमें निकालना है, तो हमने यहाँ का जैसे तैसे लिख दिया। अब हमें डी की पावर 3 एक साइड ले जाना है, तो डी के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है, जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वह हमेशा कहाँ, इधर जो इक्वल की इस तरफ जो वैल्यू होती है उसके बटे में पहुंच जाती है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं d की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, ये जो यहाँ वैल्यू थी इसके बटे में 8.8357 आ गया। अब इसको ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी वैल्यू, वह भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो d3 इक्वल टू जो वैल्यू इसको इसमें डिवाइड किया, तो यहाँ पर इतनी आ गई जो यहाँ पर लिखी दिख रही होगी आपको, 11.3177 2.242। अब d की पावर 3 को हमें हटाना है, तो इधर क्या रूट का निशान चढ़ जाएगा और क्या उसकी पावर 3 चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपने साइन देखा होगा, इसका रूट 3 निकालेंगे हम, मतलब 3 इधर रूट होगा और जी अंदर की जो वैल्यू है वाई होगी। इसको हमें निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर के अंदर जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर आप सभी को चलाना आता होगा। इस वैल्यू को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुने। हमारे कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट का बटन होता है, किसका, शिफ्ट का। शिफ्ट का बटन सबसे पहले आपको दबा लेना है, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जो यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है इस तरह का रूट का एक साइन होता है, उस रूट के साइन को दबा देना है। जैसे ही उस रूट के साइन को दबाएंगे, इसके बाद क्या करना है,
ये जो अंदर की वैल्यू है, या फिर यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है 11,317,72.243, इस वैल्यू को उसमें लिख लेना है। इसके बाद इक्वल का निशान दबा देना है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी जो वो आ जाएगी कितनी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डी इक्वल टू आ जाएगी 104.21 nm। इस तरह हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखें यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, डी की पावर 3 आसानी से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। सबसे पहले शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाने के बाद रूट का साइन दबाएं, रूट का साइन दबाने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर लिखी उसको वहां पर टाइप करें, उसके बाद इक्वल का निशान दबा दें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 104.21 nm। इस तरह जो हमें डायमीटर निकालना था वह यहाँ पर हमने निकाल के बता दिया mm में, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू mm में दिए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो भी हमें परिवर्तन नहीं करना था, यहाँ डायरेक्ट हमारा mm में डायमीटर आ गया। अब नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल है थर्ड वाला, उसको भी ध्यान से समझना है, इससे थोड़ा एडवांस है। तो यहाँ पर थर्ड न्यूमेरिकल भी आपको दिखने लगा हुआ है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है सॉलिड शाफ्ट, यहाँ पर भी एक सॉलिड शाफ्ट है 80 mm डायमीटर, उसका डायमीटर दिया 80 mm, इज ट्रांसमिटेड 100 kW पावर। उसकी पावर के बने याद रखें, पी इक्वल टू के बने 100 kW पावर एट 200 rpm। उसकी जो स्पीड दी है आरपीएम में, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कितना दिया हुआ है 200, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं। आगे लिखा हुआ कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हमें निकालना है। इसके अलावा क्या निकालना है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन डिग्री ऑफ लेंथ और 6 मीटर, जब उसकी लेंथ 6 मीटर के बनो तो हमें उसका क्या निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा भी फाइंड आउट करना है। आगे लिखा हुआ टेक सी इक्वल टू 8×10⁴ न्यूटन पर एमएम की पावर 4, यहाँ सेक्शन मॉडुलस गिवन है, सी इक्वल टू 8×10⁴। याद रखें सेक्शन मॉडुलस को अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह डिनोटेट किया जाता है, कई जगह एन भी लिखा रहता है तो कई जगह जी भी लिखा रहता है, यहाँ पर मैंने सी से डिनोटेट किया है, तो आप उससे उसमें कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले जो भी डाटा यहाँ पर गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर को स्मॉल डी से मैं लिख देता हूँ, डायमीटर को हमने स्मॉल डी लिया हुआ है 80 mm, जो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। पावर पी इक्वल टू गिवन है 100 kW, जो कि यहाँ पर लिख लिए। एन इक्वल टू जो कि 200 rpm गिवन है। सी इक्वल टू जो यहाँ 8×10⁴ गिवन है। एल यहाँ पर देख रहा है लेंथ दिए 6 मीटर, 6 मीटर में गिवन है, इसको हम mm में चेंज करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हो जाएगी हमारी 6000 mm। टॉर्क हमें निकालना है, जबकि क्योंकि टॉर्क यहाँ पर गिवन नहीं है, शियर स्ट्रेस भी हमें निकालना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिख रहा हो। तो अभी सारी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर यदि हमारे पास सबसे पहले हम टॉर्क को फाइंड आउट कर लेते हैं तो सभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सबसे पहले टॉर्क को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे समझ लेते हैं। यहाँ पर पावर गिवन है, पावर पी इक्वल टू गिवन है 100 kW। पावर का फॉर्मूला यदि हमें याद होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो पावर के फॉर्मूले को सबसे पहले समझ लेते हैं हम। तो याद रखें जब भी पावर किलोवाट में गिवन है, याद रखें पावर किलोवाट में गिवन है जो कि यहाँ पर दिख रही है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2πNT/60, क्या 2πNT/60, एन यहाँ पर जो आरपीएम में गिवन है उसकी वैल्यू होती है, टी क्या होता है टॉर्क। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से टॉर्क निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पावर गिवन है। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके हम निकाल के दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी वैल्यू मैंने एक साथ पुट कर ली, जैसे कि यहाँ पर देख रहा टी की जगह हमने 100 लिख दिया जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2×π×n की जगह 200 और t हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा मेरा फंडा है 100 की जगह 100 लिख दिया, यहाँ पर 2×π में मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का जो भी वैल्यू आएगी उसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, तो इतना जो कैलकुलेशन होगा इस वैल्यू का वाई आएगा 20.94 और t की जगह हमने t लिख दिया। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे, पाई का मल्टीप्लाई 2×π×200, इसका जो भी वैल्यू आएगी उसमें 60 का डिवाइड करेंगे, जब जो वैल्यू आएगी वही कितनी आएगी 20×94×t की जगह t लिख देंगे। अब हमें t निकालना है तो t के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू होती है हमेशा 100 के नीचे पहुंचेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100/20×94 हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से 100 में इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.77 kN। जब भी यहाँ पर ये जो किलोवाट में दिया हुआ न्यूटन आरपीएम में दी हो तो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी किलोन्यूटन मीटर में आएगी, टॉर्क की किलोन्यूटन मीटर में वैल्यू आती है क्योंकि सभी डाटा यहाँ पर एमएम में दिया है, तो इसको भी हमें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से किलो हटाएंगे तो 10³ का मल्टीप्लाई होगा, मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो भी हमारा 10³ का मल्टीप्लाई होगा, तो 10³ और 10³ कितना हो जाएगा 10⁶।
तो हमारा ये बन जाएगा न्यूटन एमएम। तो टी इक्वल टू हमारा आ गया 4.775 × 10^6 न्यूटन एमएम। इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे। शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, सबसे पहले वह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 5/16 × tau × d³। डी इक्वल टू यहाँ पर 80 दिया है, टाउ इक्वल टू हमें निकालना है, टी इक्वल टू हम निकाल चुके 4.775 × 10^6। इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करके हम टाउ यहाँ पर दिख रहा है शियर स्ट्रेस, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने किया, टी की जगह जो वैल्यू यहाँ पर निकाली थी उसको पुट कर दिया, टाउ की जगह में टाउ निकालना है, डी की जगह जो यहाँ पर 80 वैल्यू की बनती है उसको रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को हमने एक साथ जैसा था उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, पाई में 16 का डिवाइड करना, क्या करना है, पाई में 16 का डिवाइड करना है और 80³ का मल्टीप्लाई करना है। ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1005309649 × tau, टाउ जो कि हमें निकालना है। टाउ यहाँ पर फाइंड आउट करना है, टाउ के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वह इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसकी वैल्यू को ऊपर में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47.49 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमने टाउ भी निकाल लिया, टी भी निकाल लिया, अब हमें सिर्फ निकालना है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए थोड़े से कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ये इक्वेशन टॉर्सन इक्वेशन होती है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होता है, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एयर। टी क्या होता है टॉर्क, जे क्या होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ होता है शियर स्ट्रेस, आर क्या होती है रेडियस, सी क्या होता है सेक्शन मॉडुलस, थीटा क्या होता है यहाँ पर एंगल, एल क्या होती है लेंथ। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। यहाँ पर हमें थीटा को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टाउ हमारे पास गिवन है, डी भी गिवन है जो कि डायमीटर गिवन है, तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी, एल गिवन है और हमारा सी भी गिवन है सेक्शन मॉडुलस, थीटा हम निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो वैल्यू लेके चलते हैं, या तो हम इसका इक्वल इसके साथ लेते हैं, या फिर इसको इसके साथ इक्वल में लेते हैं, या फिर इसको और इसको में इसको इक्वल में लेते हैं, कोई भी दो टर्म लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा बाय एल हम लेके चलते हैं, इसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो टर्म लिया वो क्या लिया, टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा बाय एल। हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको भी मैं यहाँ पर नोट करके बता देता हूँ और कैसे कैसे इसमें वैल्यू पुट करना है वाई भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें चाहिए वाई डाटा के बारे में देख रहे होंगे, टाउ इक्वल टू हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया है 47.49 जो अभी आपने इससे पहले फाइंड आउट किया, आर इक्वल टू यहाँ पर डी इक्वल टू 18 mm गिवन है, इसको हम आधा रखेंगे 40, मतलब डी का आधा रेडियस होता है तो यहाँ पर 40 रेडियस हो जाएगा, आर की जगह रख देंगे। सी की जगह जो यहाँ पर दिख रहा है 8 × 10^4 गिवन है, इसको रख देंगे। एल की जगह यहाँ पर दिख रहा है जो एल इक्वल टू क्या दिया 6000 mm, इसको रख देंगे। तो इस तरह हम थीटा निकाल लेंगे, सारी वैल्यू एक साथ पुट कर देते हैं और पूरा फाइंड आउट करके बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन का फंडा एक जैसा है, हमने क्या किया यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर ली, देख रहे हैं टाउ की जगह 47.49 जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, 40 जो यहाँ पर दिख रहा है, डी की जगह क्या रेडियस रखना है तो डी का आधा रेडियस रख दिया मैंने यहाँ पर 80 का आधा, इक्वल टू यहाँ सी की जगह जो दिया 8 × 10^4 उसको रख दिया है, थीटा में फाइंड आउट करना, एल की जगह रख दिया 6000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू में 40 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, नहीं रखना चाहते डायरेक्ट तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ये जो वैल्यू दिख रही होगी इसमें हम क्या करेंगे इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे में। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 40 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 × 10^4 × 40 हो जाएगा, जबकि 6000 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने जैसा रखा है वैसा भी रख सकते हैं, या आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इसका डिवाइड करके रख लें, इस वैल्यू में 8 × 10^4 में इसका डिवाइड करके रख लें, जैसा भी आपको करना है। ऐसा किया हुआ तो इस वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आएगी, इस वैल्यू का पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। थीटा इक्वल टू निकालना, थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता हुआ इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। डिवाइड में पहुंचने के बाद क्या होगा, इस वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0.089 रेडियन। इस तरह हमने थीटा को भी फाइंड आउट कर लिया, तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी टी टाउ और थीटा ए हमने निकाली है। इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप इनको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे, और भी जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं जो भी आपको बुकों में दिए हैं उन सभी को मैं लेकर आऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी वीडियो पसंद आता है उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।